Hello, Commando. Welcome to another session of the chapter that is control and coordination. And in the last class, we are discussing about the divisions of the nervous system. And in that, we are discussing about the central nervous system and the peripheral nervous system. And the central nervous system consists of the brains and the spinal cords. And in the case of, we are discussing about the brains and the brain parts, that is, brain is again divided into three parts, that is cerebrum, and medulla oblongata. So yesterday we are discussing about the cerebrum, which is the largest portion of the brain, and that is involved in the thinking region or invent, a plan, and memorize. So overall, we can say that this is the seat for the intelligence, consciousness, and willpower. So today we will going to discuss about the next part of the brain, that is called the cerebellum. Okay. Cerebellum. The cerebellum is the also called as little brain. This cerebellum is also called as little brain. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पर लोकेटेड है. तो दिस इज लोकेटेड जस्ट एट द बेस एंड अंडर द लार्ज पार्ट, अंडर द लार्ज पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेरेब्रम. ठीक है, अब हम लोग ने ये बोला था कि सेरेब्रम के पास क्या था, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर था, टेढ़ा मेढ़ा इधर से घुमा फिरा स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोग बोले थे गायरी एंड सर्कस बोले थे. लेकिन सेरेब्रम में उस टाइप का कन्वोल्यूशन नहीं दिखेगा, बट यस देयर इज ऑल्सो फरोस दिखेंगे, फरोस. ठीक है, तो सेरेब्रम हैज न्यूमरस फरोस. फरोस इसमें दिखेंगे, छोटा छोटा गड्ढा, और इसमें ये जो फरोस जो दिखेंगे, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर. तो लेट सपोज, मान लीजिए कि ये हमारा सेरेब्रम है, तो ये इस टाइप से हमको ब्रांचेस इसमें इस तरीके से देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज लुक लाइक द ट्री लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सेरेब्रम में क्या देखे थे, कि आउटर मोस्ट पार्ट, यानी आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोल रहे थे कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स रीजन में कैसा कलर था, ग्रे कलर का था, और वो सेंटर में क्या था, व्हाइट कलर का मैटर था. ठीक है, तो व्हाइट मैटर सेंटर में और ग्रे मैटर कहाँ पर आ जाएगा, ग्रे मैटर आउटर वाले पार्ट में देखने को मिल रहा. ठीक है, सेरेब्रम में क्या बात कर रहे थे कि ऑर्टेक्स पार्ट में क्या होता है, ग्रे, और सेंटर में क्या होता है, व्हाइट. तो ठीक उसी तरीके से सेरेब्रम में भी आउटर मोस्ट पार्ट यानी कॉर्टेक्स मोस्ट पार्ट जो रहता है वो ग्रे मैटर रहता है. इन सेरेब्रम द कॉर्टेक्स इज ग्रे एंड centrally portion is white matter. ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकेशन की बात कर लिए, इसका स्ट्रक्चर की बात कर लिए, अब इसका फंक्शन क्या है. तो सेरेबेलम का काम क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, से हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है. ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज क्या चीज, is to maintain balance of body. ठीक है, का जब आप लोकोमोशन में रहते हैं, जब आप चलते फिरते हैं, तो उस समय आपके बॉडी को एक पोस्चर में स्थिर करके रखना, जब चलते हैं तो इधर उधर नहीं झूमते झामते चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं,
तो उस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और क्या काम करता है? और मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट भी करता है, एंड कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करता है? सेरेबेलम का यही काम है। देखे होंगे क्या चीज कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक पर्सन होते हैं, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, इधर से उधर घूमते हुए चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अल्कोहल एब्जॉर्ब होने के बाद सिंपली सेरेबेलम को इफेक्ट करता है, जिसके कारण प्रॉपर बॉडी बैलेंस नहीं रहता है। और इसीलिए जब वो मूवमेंट, जब वो लोकोमोशन में रहते हैं, तब वो उनका बॉडी इधर उधर टिल्ट हियर एंड देयर होते हुए रहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सेरेबेलम का क्या काम है? बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेरेबेलम। अब हम लोग बात करेंगे ब्रेन के थर्ड पार्ट का, जिसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर ब्रेन को देखा जाए तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट को हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। तो दिस इज द, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। अब अगर बात करते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर आता है, तो दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल, ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा देखने में लगेगा, तो ये समवॉट ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलेगा, और आगे चलकर यही मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इट लुक्स लाइक रफली ट्रायंगुलर। और क्या बोल रहे हैं? और ये और स्पाइनल कॉर्ड्स में नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड्स में कंटिन्यू कर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन आगे जाके कर देता है। तो दिस इज रफली ट्रायंगुलर एंड इज कंटिन्यूड बिहाइंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में ये फॉर्मेशन कर देता है। अब बात है कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर बात करते हैं, फंक्शन की, तो इसका काम क्या है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यानी इट फंक्शन इज टू कंट्रोल the activities of the internal organs, और जितने भी internal organs हैं उन सभी का activity को control करने का center point कहाँ पर present है? तो medulla oblongata में present है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, example बात करते हैं, सबसे simply तौर पर हम लोग जब फूड इंटेक करते हैं और वो फूड को जब स्वेलो करते हैं, तो जब वो एसोफेगस के थ्रू फूड मूव कर रहा होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है स्टोमेक तक, तो उसके बीच में एसोफेगस में वो जो फूड मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट of the elementary canal क्या हो रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि रिस्पायरेशन के लिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो इन सभी के सिस्टम को, इन सभी के एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम क्या कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट,
एंड अदर इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का मूवमेंट हो रहा है, उन सभी को एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला एब्लोंगेटा करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि ब्रेन्स के पार्ट की बात कर लिए कि ब्रेन्स में कितने पार्ट होते हैं। टोटल 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, फिर सेरेब्रम और उसके बाद फिर मेडुला एब्लोंगेटा। अब अगर ब्रेन को रीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो ब्रेन को हम लोग 3 प्राइमरी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं, यानी कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, आगे वाले पोर्शन को फोर ब्रेन, सेंटर वाले पोर्शन को मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाले ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रीजंस ऑफ द ब्रेन, रीजन ऑफ द ब्रेन का रीजन, ब्रेन में कितने रीजन होते हैं। तो ब्रेन को आप लोग नाम सुने होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इसके पास कितने ब्रेन हैं, रीजन हैं? 3 रीजन, 3 रीजन। कौन कौन सा? दैट इज फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि सर ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस टाइप से, क्या क्या चीजें फोर ब्रेन में रहेगा? तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स क्या क्या चीज? सेरेब्रम, जो अभी हम लोगों ने बात किया सेरेब्रम, और उसके बाद फिर ये इंक्लूड करता है डायनसेफेलॉन। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है डायनसेफेलॉन। आप देखिए यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट है, सेफलॉन का मतलब होता है हेड, ठीक है, और इसके हेड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सेफलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के अंदर में दो चीजें इंक्लूड होकर रहता है, क्या क्या चीज? एक को हम लोग बोलते हैं थैलेमस और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी फोर ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं कि फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक उसी तरीके से मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहेगा? तो मिड ब्रेन में हम लोग को प्रेजेंट रहेगा मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे वो सब का सब क्या प्रेजेंट रहेगा? मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा। सेरेब्रम प्रेजेंट रहेगा हाइंड ब्रेन में, तो सेरेब्रम इज प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में और क्या प्रेजेंट रहेगा? पॉन्स और उसके बाद फिर मेडुला एब्लोंगेटा, मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हम लोग 3 ब्रेन के पार्ट या रीजन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की बात करते हैं, और फोर ब्रेन में हम लोग देख लिए सेरेब्रम के बारे में डिस्कस कर लिया। तो सेरेब्रम में क्या देखे थे कि सेरेब्रम इज द सीट ऑफ किस चीज का? इंटेलिजेंस का है, इंटेलिजेंस, उसके बाद फिर मेमोरी के लिए, उसके बाद कॉन्शियसनेस के लिए, कॉन्शियसनेस, विल पावर के लिए, विल पावर एंड वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। इन सभी चीज के लिए क्या देखे हम लोग? सेरेब्रम के बारे में डिस्कस किया। अब थैलेमस यहाँ पर आ रहा है, थैलेमस के बारे में देख लेते हैं, थैलेमस का काम क्या है। तो जो ये थैलेमस है, यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। थैलेमस इज द सेंटर फॉर द रिले पेन। अगर देखा जाए थैलेमस को तो थैलेमस इज कंट्रोल अंडर द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थैलेमस को। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, थैलेमस, थैलेमस इज द सेंटर फॉर रिले पेन्स। रिले पेन्स का मतलब छोटे मोटे दर्द के लिए होता है, एंड प्रेशर,
प्रेशर दैट इज गिवन या दैट इम्पल्स इज गिवन टू सेरेब्रम. हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द साइट फॉर लेपेंस एंड प्रेशर इम्पल्सेस इम्पल्सेस टू सेरेब्रम सेरेब्रम. ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम है कि ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है. इसके अलावा जितने भी हम लोग जानते हैं कि जो पिट्यूटरी बॉडी वगैरह जानते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच सिक्रीट द हॉर्मोन्स. तो अब उन सभी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे मास्टर ग्लैंड जो रहता है दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस. तो हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द क्या चीज बोले? पहली बात बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा. बॉडी टेम्परेचर और किसको कंट्रोल करेगा? कंट्रोल्स पिट्यूटरी बॉडी. कंट्रोल्स पिट्यूटरी बॉडी. और पिट्यूटरी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी बॉडी इज कॉल्ड मास्टर. यस, पिट्यूटरी बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. The pituitary body is called master gland. और master gland को control कर रहा hypothalamus. So hypothalamus is also called as master of master gland. तो इन सब से मिलकर हमारा क्या बन गया? Fore brain बन गया. मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं तो मिड ब्रेन एक ट्यूबुलर पार्ट हुआ दैट इन्वॉल्व्स द रिफ्लेक्सेस ऑफ द आईज एंड ईयर. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मिड ब्रेन है मिड ब्रेन इज ए स्मॉलर ट्यूबुलर पार्ट. ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो दिस इज द साइट फॉर क्या चीज? रिफ्लेक्स एक्शन. अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम डिटेल नहीं जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ही हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें कौन सा ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है? रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्विंग आईज एंड ईयर्स. ये हम लोग बात कर लिए मिड ब्रेन्स. अब हम लोग बात करेंगे हाइंड ब्रेन्स. तो हाइंड ब्रेन्स में हम लोग सेरेबेलम के बारे में डिस्कस किए, जो कि काम क्या करता है सेरेबेलम? सेरेबेलम का काम है बॉडी पोस्चर को यानी मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना और बैलेंसिंग का काम करना, ये देख लिए थे. अब हम लोग बात करेंगे पॉन्स. अच्छा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में डिस्कस किए हुए हैं दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. तो मेनली रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पॉन्स. अब सबसे पहली बात इसका लोकेशन की करते हैं. तो दिस पॉन्स इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ब्रेन्स. ब्रेन के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है पॉन्स. कहाँ पर? तो ये सेरेबेलम के जस्ट नीचे में प्रेजेंट रहता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉन्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ब्रेन बिलो सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसका पॉन्स का काम क्या है? तो ये इंपल्स को कैरी करता है कहाँ पर से? जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उन दोनों को कैरी करता है और
और ब्रेन तक पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फोन कैरीज इम्पल्सेस इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम सेरेबेलम 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 टू द अदर हेमिस्फीयर एंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट द मस्कुलर एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेट द मस्कुलर activities on both side of the body, both side, both side of the body. क्या बोल रहे हैं? This carries impulses from one hemisphere of cerebrum ही होगा, cerebrum to the other hemisphere of the cerebrum. हम लोग क्या बोले थे? ये जो ब्रेन है, ब्रेन में दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और ये पूरा जो लार्जेस्ट पार्ट रहता है, उसको पूरा पूरा है क्या? सेरेब्रम है। तो और ये पॉन्स जो है, अगर ये ब्रेन को तो ऊपर से हम जो देख रहे हैं तब ऐसा दिख रहा है, अगर साइड से देखेंगे तो ब्रेन हमको इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर हमारा सेरेब्रम प्रेजेंट रहेगा और इस तरीके से हम लोग का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया पोर्शन पूरा का पूरा सेरेब्रम, ये हमारा हो गया सेरेबेलम और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द पॉन्स। तो पॉन्स का काम क्या है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के मूवमेंट के मस्कुलर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यहाँ पर देखा जाए पॉन्स में तो एक क्रॉस सेक्शन का तरफ जैसा बनता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। एक्स शेप स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? तो जैसे लेट सपोज मान ली कि ये हमारा आई है, आई है, तो ये हमारा लेफ्ट आई हो गया, इधर हमारा राइट आई हो गया। तो राइट आई से देखा जा रहा है तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स निकला है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन तक जाता है। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट आई का जो ऑप्टिक नर्व्स रहता है वो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में जाता है और इसीलिए ये लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेटेड वे में हम लोग को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट आई से दिखा तो 5 किलोमीटर दिख गया और राइट आई से दिखा 10 किलोमीटर दिख गया, तो मतलब कि हम लोग को डिस्टेंस का पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए दोनों को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के लिए इसी रीजन के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है पॉन्स। तो ये सब क्या काम करता है? वही बात यहाँ बोले हैं कि ये एक हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम और दूसरे हेमिस्फीयर के सेरेब्रम को आपस में कोऑर्डिनेट कर हम लोग को आई का से अगर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिसाइड करके दे देता है। ठीक है, तो ये हम बहुत बात किए पॉन्स के बारे में डिस्कस किए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, ओवरऑल ब्रेन्स के तीन पार्ट्स, तीन रीजन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन्स, मिड ब्रेन्स एंड हाइंड ब्रेन्स। इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रेन्स, यहाँ से अब बाहर की तरफ निकलेगा तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो क्या फॉर्मेशन कर दिया? मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाकर हम लोग को वर्टिब्रल कॉलम में एक स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, स्पाइनल कॉर्ड्स पढ़ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स। अब हम अभी क्या बात बोले कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से एक्सटेंड होकर आ रहा है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे जाकर एक्सटेंड हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बात समझ में आई, ब्रेन के
क्या चीज, मिड लैब लॉन्ग लेटर ही आगे जाकर क्या चीज हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है चलिए। अच्छा ये अगर देखा जाए मेडुला ऑब्लोंगेटा तो एक्सटेंड तो हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ तक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, जो हमारा बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम्स बना हुआ है, तो उन सभी वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर में हमारा क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड। ठीक है, क्यों उसके अंदर चला गया, तो देखिए ये बना हुआ स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ किस चीज का, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन्स इज द सेल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड किया गया एक एक वर्टिब्री से किया गया। ठीक है, वर्टिब्री और वर्टिब्री के अंदर में यानी वर्टिब्रल कॉलम्स पे एक बोन्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्री बोन। वर्टिब्रल कॉलम के एक एक जो बोन्स दिखता है दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्री। ठीक है, और वर्टिब्री को अगर और एग्जैक्टली ग्रामर डायग्राम देखा जाए तो वर्टिब्री इस तरीके से स्पाइंस जैसा स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, सेंट्रम जिसको बोलते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में ये जो कैविटी बना हुआ है, ये कैविटी बना हुआ है, तो इसी कैविटी के अंदर से हमारा क्या चीज गया हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ है कि ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बोन्स का बना हुआ है चारों तरफ, तो इससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज दिस स्पाइनल कॉर्ड्स एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन्स ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रन्स होल लेंथ ऑफ द बैकबोन। क्या हम लोग बोल रहे हैं, ये तो एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रन्स डाउन द लेंथ ऑफ क्या चीज, बैकबोन। जितना बैकबोन है उन सब तक पहुंचा हुआ क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन करके देखा जाए, हम लोग ये एक बात बोले थे कि ब्रेन्स में जो बाहर एक्सटर्नल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है दैट आर ग्रे इन कलर, और सेंटर वाला पोर्शन होता है दैट इज व्हाइट इन कलर। लेकिन अगर हम स्पाइनल कॉर्ड्स की जो बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स को डाइसेक्ट करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बाहर वाला मैटर जो रहता है, यानी इस तरीके से अगर हम डाइसेक्ट किए तो डाइसेक्ट करने के बाद हमको क्या दिखेगा, बाहर वाला जो मैटर रहेगा दैट इज व्हाइट मैटर। जस्ट अपोजिट बोले थे, ब्रेन्स के अपोजिट रहता है, तो बाहर वाला मैटर हो गया व्हाइट मैटर। ठीक है, और जो हमारा सेंटर में प्रेजेंट रहेगा दैट इज ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो इस तरीके से हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर मतलब ये सिंग जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहेगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ग्रे मैटर। ठीक है, अब व्हाइट मैटर और ये ग्रे मैटर देख लिए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स निकलेगा। ठीक है, तो नर्व फाइबर जैसे अगर मान लीजिए हमारे वर्टिब्रल कॉलम में फैला हुआ है, तो हम अपने अगर हाथ को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, एक क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन की तरफ निकलेगा। तो ग्रे तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, the arrangement of gray matter and the white matter is reversed to the brain and the gray matter contains the efferent neurons. यहाँ पर क्या करें, gray matter से, अच्छा यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं कि gray matter से निकला हुआ या spinal cord से निकला हुआ इस तरीके से spines जैसा structure बनेगा, तो यहाँ पर से क्या निकला हुआ रहेगा, neurons या nerve fibers निकले हुए रहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर दो टाइप का हमको न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज, एक सेंसरी न्यूरॉन्स मिलेगा और दूसरा हमको मोटर न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पर थर्ड टाइप के भी न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा, दैट इज एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं, रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कैसे स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, दिस इज ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। अब जैसे मान ली कि यहाँ पर कोई, लेट सपोज स्किन है, स्किन के पास क्या रहेगा, अगर कोई आपको पिंच करता है, यहाँ पर पिंच करता है, तो मतलब यहाँ पर प्रेजेंट क्या रहेगा, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। तो यहाँ से रिसेप्टर्स एक मैसेज लेकर आएगा और वो कहाँ तक आएगा, ब्रेन तक यानी स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, इस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स बोल देंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। और इस ग्रे मैटर से यहाँ पर से एक न्यूरॉन्स बाहर की तरफ निकलेगा और ये कहाँ जाएगा, ये स्किन वाले मसल्स के पास जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर मसल्स बोलेंगे, इफेक्टर मसल्स, ठीक है। तो अब ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, तो इस पोर्शन को, इस न्यूरॉन्स को हम लोग बोल देंगे मोटर न्यूरॉन्स बोल देंगे, मोटर न्यूरॉन्स। अब हम लोग एक और क्या बात बोले थे कि यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है और ग्रे ये मोटर न्यूरॉन्स है, वो दोनों का भाषा एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो उसके बीच में एक तीसरा टाइप का न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेगा और उस न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस न्यूरॉन्स को एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, या इसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स दिख रहा होगा आपके डायग्राम में, अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो देखिएगा इस तरीके से एक हेड जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, ठीक है, हेड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये है क्या, तो दिस इज द साइटोन ऑफ द साइटोन, या आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल बॉडी इन साइटोन इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन, रूट गैंग्लियन। तो अब अगर इसका शेप स्ट्रक्चर हम बाहर की तरफ निकालते हैं, तो अगर हम न्यूरॉन्स को फर्दर अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होता है, कौन कौन सा, तो पढ़ते हैं ए पोलर न्यूरॉन्स। ए पोलर न्यूरॉन्स का मतलब वैसा न्यूरॉन्स जिसमें कोई पोल्स नहीं हो, बस सिंपली क्या हो, इस तरीके से साइटोन बॉडी हम लोग को दिखेगा। बी जिसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक एक्सॉन इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। फिर स्यूडो यूनिपोलर हो गया, स्यूडो, स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और यूनिपोलर मतलब एक। तो ये क्या हुआ कि स्यूडो यूनिपोलर में क्या हुआ कि एक हेड साइटोन इस तरीके से दिखेगा हेड, लेकिन यहाँ से क्या कर देगा, बाइफर्केट हो जाएगा, बाइफर्केट हो जाएगा, यहाँ से दो प्रोसेस दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन लगेगा क्या कि बाइपोलर हो गया, लेकिन हेड एक ही है और हेड एक से निकला हुआ ये पोर्शन अलग अलग हो गया है। तो ये आगे अपने आप को जाकर मॉडिफाई कर लेता है, एक तरफ से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, दूसरे तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं साइटोन ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइटोन है, हेड वाला पोर्शन है, जो कि यहाँ से ब्रांचेस, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर गया है, एक रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा और वही आगे जाकर इंफॉर्मेशन दे देगा, किसको, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को दे देगा,
ठीक है, तो मतलब इंफॉर्मेशन किधर से किधर आ रहा है, इंफॉर्मेशन इधर स्किन वाले रिसेप्टर से आ रहा है, ब्रेन में प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद फिर से हमारे इफेक्टर मसल्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड्स। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड्स की फंक्शन की बात करते हैं, जल्दी से फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स। तो सबसे पहला का काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड्स को, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उस सभी को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। रिफ्लेक्स मतलब जैसे आपको कुछ गर्म चीज छुआ और अचानक से हाथ खींच जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिस कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम स्किन और वी कैन से दैट रिसेप्टर्स and muscles to brain तक information ले जाने काम करता है। and third is conduct motor responses from brain to muscles of limbs and trunk पूरा बॉडी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं।